हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फन वे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 9th नंबर सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर दे विच असी वो सब कुछ पढ़ांगे मोस्टली जो 8th दे विच भी तुसी 8th क्लास दे विच भी तुसी पढ़ चुके हो। तो सब तो पहले तुहानूं रैशन नंबर थी पहले ही कर चुके हो 8th क्लास दे विच के रैशन नंबर की होंदे ने। जो तुहाडा फस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज दे विच एक्सरसाइज 1.1 दे विच वो यही पुछा गया तुहानूं कि इज जीरो आ रैशनल नंबर और नॉट, कि जिहड़ी जीरो आ कि उसनूं रैशनल नंबर कह सकदे कि नहीं कह सकदे। ठीक है, देखो आंसर की है। फस्ट ऑफ ऑल असीं कह देंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जीरो नूं असीं लिख सकते हैं जीरो ओवर वन, जीरो ओवर टू, जीरो ओवर थ्री एंड सो ऑन। जीरो दो बार वन पा लो, चाहे टू पा लो, चाहे थ्री पा लो, कुछ भी लिख लो, आंसर हमेशा जीरो ही आऊगा। जीरो नूं असीं किसी भी तरीके नाल लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि जीरो नूं असीं पी ओवर क्यू फॉर्म दे विच लिख सकते हैं, तो जिहड़े नंबर नूं असीं पी ओवर क्यू फॉर्म च लिख सकते हैं उहनूं असीं रैशनल नंबर कहने हैं। इस करके जीरो की है रैशनल नंबर है। तो वेरी सिंपल जिहा सम सी। मूव करते हैं नैक्सट सम के लिए, सैकेंड सम के लिए। सैकेंड सम तुहानूं की पूछा गया, स्टेटमेंट तुसीं एक बार देख लेनी है आपदे बुक के उत्ते। सैकेंड सम तुहानूं कहा गया कि थ्री एंड फोर के विचकार नंबर फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। ठीक है, हुण आपां नूं पता कि थ्री एंड फोर के विचकार आपां नूं अपने कोल किन्ने इनफानाइट रैशनल नंबर ने। कोई भी दो नंबर होण, कोई भी टू नंबरस ने, टू नंबर विचकार इनफानाइट रैशनल नंबरस होंदे ने। तां असीं हुण थ्री एंड वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबरस, रैशनल नंबरस बिटवीन थ्री एंड सॉरी फोर, थ्री एंड फोर नॉट फाइव। राइट, तो थ्री मैं लिख सकता थ्री ओवर वन एंड फोर मैं लिख सकता फोर ओवर वन। ठीक है, किन्ने नंबर मर्जी तुम्हें फाइंड करने कहा जाए, ठीक है, वो तुम फाइंड कर सकते हो। किदा, थ्री ओवर वन मैं सैवन मल्टीप्लाई करता, तो फोर ओवर वन भी मैं सैवन मल्टीप्लाई करता। तुम चाहो जिहड़े नंबर ना मर्जी कर लो, सैवन एट टेन। ठीक है की चीज़ है कि जो डिनोमीनेटर आ, जो डिनोमीनेटर आ वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो कितना बन जाए 21 ओवर 7 एंड 4 सैवन आ 28 ओवर 7। कटिंग नहीं करनी, कटिंग करोगे दोबारा फिर वही बन जाऊगा। तो असं थोड़ा इस नंबर को व्डा करके ले लिया, 3 ओवर 1 मैं किमें ले लिया 21 ओवर 7, किदा 7 7 मल्टीप्लाई करके, तो 4 ओवर 1 मैं किमें ले लिया 28 ओवर 7, 7 7 मल्टीप्लाई करके। हुण 3 तो की बन गया 21 ओवर 7, तो 4 तो की बन गया 28 ओवर 7। तो तुम इन दोवों के विचकार जो नंबर आते हैं वो तुम लिख देने हैं। ठीक है, किड़े किड़े आते हैं 22 ओवर 7, 23 ओवर 7, 24 ओवर 7, 25 ओवर 7, 26 ओवर 7, 27 ओवर 7। तुसीं अगर होर ज़्यादा नंबर फाइंड करने ने, इत्थे मैं 1 2 3 4 5 6 नंबर फाइंड किए, अगर होर ज़्यादा नंबर फाइंड करने हैं तो तुसीं होर वड्डे नंबर नाल इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये सीगा सम नंबर सेकेंड। मूव टू सम नंबर थ्री। जो थर्ड सम है ये भी सेम इदा ही आपां ने नंबर फाइंड करने हैं, फाइव रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन किहदी किहदे विचकार, थ्री ओवर फाइव एंड फोर ओवर फाइव। ये सानू दो रैशनल नंबर गिवन ने, इन्हां दोवां रैशनल नंबर के विचकार असीं फाइव रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, सानू पता कि कोई भी दो नंबर होण रैशनल उन्हां विचकार इनफानाइट रैशनल नंबर होंदे आ, पर असीं सिर्फ फाइव पता करने हैं। किदां पता करांगे, सेम उदां ही इन्हां दे डिनोमीनेटर नूं थोड़ा वड्डा कर लो, जां न्यूमीनेटर नूं कह दी थोड़ा वड्डा कर लो। ठीक है, तां मैं की करदे आ इत्थे, असीं की कर सकदे हां कि इन्हां दोवां रैशनल नंबरस नूं किसे भी नंबर नाल असीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं इतने टेन टेन मल्टीप्लाई करना सारे, एवें करने की होगा कि ये नंबर थोड़े व्डे हो जाएंगे, इन्हें न्यूमिनेट थोड़े व्डे हो जाएंगे। जे कि हमें कि बन जूगा, ये बन जूगा 30 ओवर 50 एंड ये बन जूगा 40 ओवर 50।
ठीक है ना। हुण असीं 30 तो लैके 40 दे विचकार किहड़े मर्जी नंबर लिख सकदे हां, किहड़े लिख सकदे हां, 31/50, ठीक है, 32/50, 33/50, 34/50, जिन्हें तुहानू फाइंड करन नू कहा गया उन्ने तुसीं फाइंड करके लिख सकते हो, राइट। तो ये साडा सम नंबर थर्ड। उस तो बाद जो फोर्थ हैगा वो तुहाडे लई ट्रू फॉल्स ने, ठीक है, वो तुसीं खुद कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।